Hello guys, welcome to Target JEE NEET. Today again I came with some special questions on mathematics. So first question is integral of root x plus 1 x square minus root x divided by x root x plus x plus root x dx. Now you can see generally this type of question you think that is very difficult, but just give you the answer is equal to integral of root x plus 1. अब यहां से हमें root x को common लेना है, तो root x जब हम common ले लेंगे तो यहाँ क्या बचना चाहिए, रूट एक्स का क्यूब माइनस वन, वन का क्यूब ऐसे लिख देता है क्योंकि वन का क्यूब वन ही होता है नीचे। यहाँ से भी हम अगर रूट एक्स को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन dx। अब ध्यान से देखिएगा हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर एक मान लीजिए x क्यूब माइनस y क्यूब है तो फार्मूला क्या होता है, x माइनस y और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। अगर इसके हिसाब से इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप, लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x प्लस 1, ये हो गया रूट एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा, यहाँ से एक तो आएगा हमारा रूट एक्स माइनस वन, दूसरा क्या आएगा इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा वन का स्क्वायर वन ही होगा और प्लस रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कितना इजी बन गया, ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, हमारे पास जो रह गया वो क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस वन और इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स, जो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। देखिए देखने में बड़ा लेंथी लग रहा था लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो बहुत इजी सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो मैक्सिमम आईआईटी से पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने के बाद बच्चे यही सोचते हैं पता नहीं क्या करना है इसको, तो अगर आपको इस तरह की ट्रिक्स आपके माइंड में रहेंगी आप इसलिए इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू डी एक्स, तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर थ्री बाई टू, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आगे बढ़ाते हैं इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें क्या करना है हमें, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो एक्स डी एक्स अगर हम अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट लगेगा, यहाँ हमारा बचेगा वन प्लस। अब यहाँ से अगर वन प्लस ये कॉमन हो गया तो हमारा यहाँ क्या बचना चाहिए, यहाँ हमारा सिंपल से जो बचेगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बच गया। जब ऐसा हो जाता है तो आपको अब क्या करना है, इस पूरी चीज़ को देख लीजिए, आप चेक करना चाहें चेक करें, जो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट साइड के वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वन बाय टू है और ए स्क्वायर आएगा, ये सिंपल आएगा, तो ये आपका हो गया वन प्लस वन बाय टू या थ्री बाय टू, जो पावर आपका थ्री बाय टू वही चीज़ आ गया तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉमन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वेरीफाई कर पाओ, जब इतना आ जाता है तो हमेशा ध्यान देना आपको जो इसके अंदर की क्वांटिटी है उसको क्या मान लेना है, कि पुट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या होगा, वन बाय टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो आप देखिए ये जो चीज़ें हैं पूरी, इसकी जगह अब क्या हो जाएगा डी टी और इसकी जगह अब क्या हो जाएगा टी। तो अगला स्टेप हम देख देते हैं इसी में, अगला स्टेप हमारा हो गया डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी पावर माइनस वन बाय टू डी टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू प्लस सी, ये हो गया टू रूट टी प्लस सी इज इक्वल टू टू और रूट लगाया और टी की वैल्यू हमारी कितनी है, ये वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए अगर आप सही तरीके से चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है, उसको आपको ध्यान से समझना होता है और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन लाए। अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ये इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, ये चीज। अब इसमें क्या है, अगर इसको सॉल्व करना है तो डी एक्स, अब यहाँ से हम रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर वन हो जाएगा, वन प्लस रूट एक्स ऐसा बच जाएगा, तो वन प्लस रूट एक्स बच जाता है। अब आप क्या करोगे, अब देखो मैं तो लिख दिया, अगर आपको चेक करना है जब इसको आप अंदर ले जाओ, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर एक्स, तो एक्स रूट एक्स सेम चीज़ें आ गई, तो आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुट वन प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन बाय क्या होगा, टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या आप ऐसे कह सकते हो डी एक्स बाय रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे क्या रख देते हैं, टू डी टी, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ टू डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी, तो बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ टी पावर माइनस वन बाय टू डी टी, जो आपका टू इंटू रूट टी, और अभी पिछला वाला हमने किया था, क्या था इसमें भी इंटू टू था प्लस सी था, इंटीग्रल आपको पता है इसका क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ टी पावर माइनस वन बाय टू डी टी इज इक्वल टू टी की पावर वन बाय टू बाय वन बाय टू, तो टू रूट टी आता है, तो टू रूट टी दिए हो गया फोर रूट, अब टी को क्या लिख देंगे, टी हमारा कितना माना हमने, ये वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे आप लोगों से कुछ स्पेशल क्वेश्चन के साथ में। इससे पहले मैं ये भी चाहता हूँ आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ मेल मी, प्लीज़ एसएमएस मी, सो दैट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज माय एम इज टू गिव यू द थिंग्स best thing so that you can easily crack IIT JEE and NEET. Thank you guys. Have a nice day.